धान के दामों में मामले उछाल दर्ज किया गया है, जिसे किसानों को राहत जरूर मिली है। आपको बता दें कि अनाज मंडी में बीते करीब 15 दिनों से किसानों को फसलों के वाजिब दाम नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे किसानों की सीजन में चिंता बढ़ गई है। धान को व्यापारी मनमाने दामों में खरीदते हैं, जिससे किसानों की फसल घाटे का सौदा बनते दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात की जाए 15 दिनों से निसिंग कि जो अनाज मंडी है, नई अनाज मंडी, वहाँ पर किसानों की जो बासमती धान है 2650 रुपये प्रति क्विंटल तक खरीदा जा रहा है, जबकि हाथ से कटाई किया गया धान 2900 रुपये प्रति क्विंटल तक खरीदा जा रहा है, जबकि बासमती 30 की किस्म की धान है वो 3400 रुपये प्रति क्विंटल तक खरीद की गई है। किसान के हिसाब से धान के दाम बहुत कम हैं। व्यापार मंडल के पंचायत के प्रधान हैं पूर्व प्रधान महेंद्र सिंह व पूर्व मंडी प्रधान वेद प्रकाश त्यागी ने बताया कि मंगलवार को धान के दामों में हल्का सा उछाल दर्ज किया गया है। मंडी में कंबाइन से कटाई किया गया 1121 धान 2650 रुपये प्रति क्विंटल व कंबाइन से कटाई किया गया धान 2900 रुपये प्रति क्विंटल तक खरीदा गया। वहीं बासमती 30 की किस्म की धान की बात करें तो 3450 रुपये प्रति क्विंटल तक खरीदा गया है। सर, ये जो धान की जो फसल है उसको लेकर समस्या है किसानों को, 15 दिनों से रेट नहीं लग पा रहे थे, अभी 2 दिन से थोड़ा राहत है किसानों को, इसको लेकर क्या कहेंगे? किसान को जो परेशानी आ रही है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत परेशानी जी, 1121 का तो रेट लगा ही है जी, 35 का रेट था, 30-35 का, अब तो 20-25-22 ऊपर जा रही है जी। तो कल से आज थोड़ा रेट बढ़ा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कितना रेट बढ़ा, कितना फ़ायदा हो सकता है किसानों को इसको लेकर? फायदा तो हो जाना जी, 25-26 बीटिए तो 300-400 का फर्क पड़ेगा, 400-500 जी। पिछले साल के मुकाबले कितना आपकी बार आपको लॉस हो रहा है? तो बहुत ग्रेट था। पिछले साल कितना आपको आपकी बार कितना लॉस हो रहा है वो बताइए आप सर? 3500-3600 पिछले साल 3500-3600 का, आपकी बार 2900 आज हुआ है, 2600-2700 जो किसान को लेकर, जो आप लोगों को लेकर जो समस्याएं हैं उसको लेकर क्या कहेंगे सर? पीआर से हम लै नहीं रहे, क्यों 1121 का भी हम लै इन्नी कोई खास लैंड है, इस करके अभी रेट बताया जिन्हों का स्टॉक किया भी अज स्टॉक कल फिर रेट कट देगा जी। खत्म होने पर आ गई, अब तो 10,000 रुपये रेट करते हैं, हम करते हैं जीरी नहीं रही, जीरी जी तो रह नहीं गई, थोड़ी जीरी रही जी, जीरी तो ऐसी रह रही कोई 10-20%। अच्छा सर, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे इसको लेकर? जीरी अपना जिम्मेदार पता तो जाने जी। अच्छा गई जब तक ये सस्ती गई पूरा रेट नहीं मिला जी। अच्छा अब 20% जी रह रही बासमती जी, ये 1121 पिछले साल 3500 का, अब रह गया सारा 2600, 1000 रुपये का फर्क पड़ गया, 1000 रुपये जिम्मेदार को मार देगा बिल्कुल जी। अब तो इनके घर में पड़ी है, अब 10,000 रुपये करते हैं, अब 15 करते हैं, हमारे मनमाने तो आज 2900 इसलिए किया है ना, जिनका स्टॉक है वो आ जाएगा कल को, फिर 2700-2800 कर देंगे जी। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है आपकी तरफ से कि मतलब मनमानी वाली बात सामने आ रही है, एक है ना मनमर्जी से अपनी मनमर्जी करते हैं, मनमर्जी करते हैं, अपनी मनमर्जी चलती है, जिम्मेदार की मर्जी नहीं चलती, अपना रेट लवाना इन्हें, अपने इन्होंने खुद के बंदे होंगे ने, अपने बंदे चार लिया के ये दूर लिया, वो अपने जो चार बंदे लिया जो उन्होंने जीरी दवाते हैं। और समस्या है जो इसको लेकर सर, प्रशासन से सरकार से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से ही मांग करांगे जिम्मेदार को अपना हक मिलना चाहिए, रेट देना, रेट तो बगैर जिम्मेदार से उसका मर जाएगा।
सर जो बासमती धान में अभी उछाल आया है रेट को लेकर, उसको उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसे है जी, जो बासमती धान है नहीं, पहले कंबाइन से गिल्ला धान आता था उसमें नमी ज़्यादा थी, अब सूखा धान आ गया उसका 100-150 रुपये रेट में ज़्यादा डिफरेंस हो गया जी, मतलब 200 रुपये तक ऊंचा दिखने लग गया। जो हाथ वाला था वो भी सूखा, कंबाइन वाला 2600-2700 बिक रहा है और ये हाथ वाला 2900 तक बिक रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं है, किसानों ने माल बेचने में, माल आता है उसी टाइम बिक जाता है, सूखा माल आता है। अभी जो बासमती है जो उसका क्या रेट है? बासमती 30 नंबर है और 3400-3400 रुपये 11 की है जी, कंबाइन तो है 2600-2700 और हाथ की है 2900 रुपये। वैसे पिछले साल से 1000 रुपये रेट दोनों का कम है जी। हाँ, पीछे जो 11 की थी वो 3500-3500 रुपये बिकी थी और 4500-5000 तक 30 नंबर बिकी थी बासमती जी। अब की बार 1000 रुपये रेट तो कम है पीछे से। इसमें किसान तो बहुत परेशान है नहीं, 20-20 हज़ार बिल्कुल सर कम लिख रहा। वैसे माल बिक रहा है 2 दिन से, इससे पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, करीब 15 दिन से तो दिक्कत चल रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही थी। जिस टाइम सीजन स्टार्ट हुआ नहीं ब्रेक का 11 की बासमती का, तो लेने वाला था ही नहीं है, 2012 बिक रही